उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट हरिद्वार पर कांग्रेस ने लगाया बड़ा दांव। हरीश रावत के बेटे को मिल ही गया लोकसभा चुनाव का टिकट। हरदा ने कांग्रेस आलाकमान को झुकाया, बेटे को सांसदी का टिकट दिलवाया। बेटे वीरेंद्र रावत के प्रत्याशी बनने पर हरीश रावत हो गए भावुक, कार्यकर्ताओं से कर दी बड़ी अपील। हरिद्वार में अब होगा सियासत का महादंगल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को बटकनी देने चुनावी अखाड़े में उतरेंगे युवा नेता वीरेंद्र रावत। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट हरिद्वार पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सबको बेसब्री से इंतजार था। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हरिद्वार सीट पर दावेदारों की लिस्ट में शुमार थे। इस सूची में सबसे आगे नाम तो पूर्व सीएम और दिग्गज नेता हरीश रावत का ही था। कांग्रेस तो हरीश रावत को टिकट देने के लिए राजी थी, लेकिन हरीश रावत कांग्रेस आलाकमान से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के नाम पर मोहर लगवाना चाहते थे। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ कांग्रेस के लिए फैसला चुनौतीपूर्ण होता चला गया। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को हरीश रावत की मांग पर झुकना ही पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हरीश रावत किसी तरह अपने बेटे को टिकट दिलवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को हराना उनके बेटे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। शायद यही वजह है कि हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने बेटे वीरेंद्र को जिताने के लिए भावुक अपील कर दी है। क्या कहा हरीश रावत ने, एक बार जरा आप भी सुन लीजिए। कार्यकर्ता साथियों, आप कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप अपने आप को हरीश रावत समझकर इस लोकसभा के चुनाव में उठ करके खड़े होइए और कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। मैंने कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में काफी देर कर दी। दिल्ली से देहरादून तक मंथन तो चल रहा था, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। हरीश रावत चाहते थे कि उनके बेटे को हरिद्वार से प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता वीरेंद्र रावत को टिकट देने पर सहमत नहीं थे। काफी माथापच्ची के बाद वीरेंद्र रावत का नाम फाइनल तो हो गया, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष भी बढ़ गया है। खबर यह है कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से नाखुश हैं। उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की जिम्मेदारी हरीश रावत की है। ऐसे में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील करते हुए कहा कि आज मेरी राजनीतिक समझ और मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है। वही रात सोया हूँ, थाने के आगे सोया हूँ, मैंने कार्यकर्ता साथियों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाने पर कभी कोई चूक नहीं की है। आज मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है, मेरी समझ का एक इम्तिहान है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 27 तारीख को वो नामांकन दायर करेंगे 11 बजे। मेरे पास साधन नहीं है, आपको खुद साधन बन करके जुटना है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने वीरेंद्र रावत का टिकट तय होने से पहले ही हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया था। हरीश रावत ने हरिद्वार में रोड शो किया, जिसमें उनके बेटे वीरेंद्र रावत भी शामिल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में भी बताया। पार्टी का आशीर्वाद जिसको मिले वो देवता का आशीर्वाद के समान मिलता, माँ के आशीर्वाद। ये हम लोकतंत्र में जो है सिद्धांतों को चुनौती मानते हैं, और भाजपा से हमारा सैद्धांतिक विरोध है, तो उस विरोध के खिलाफ हम खड़े। अपने चुनावी अभियान के दौरान वीरेंद्र रावत भी सामने आए और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए चुनाव में जीत का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। हरिद्वार से अगर मैं चुना गया तो हरिद्वार की आवाज को जो है, जिस तरीके से मेरे पिताजी हरिद्वार की आवाज को बुलंद करते थे लोकसभा में, उसी तरह मैं भी करूँगा।
ये आपने खुद ही बता दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ किया होता तो अपने भरोसे लड़ते, तो क्योंकि 4 वर्ष का इनका भी कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा है और हरीश रावत जी का भी 3 वर्ष का कार्यकाल रहा है। हरीश रावत जी के नाम के आगे इतनी उपलब्धियां हैं कि अगर मैं सवेरे से गिनाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन ये अपनी उपलब्धि मात्र 2 मिनट में खड़े नहीं हो सकते। तो उनका और मेरा मुकाबला आप समझ सकते हैं, कहाँ है वो, कहाँ है और मैं कहाँ। वीरेंद्र रावत फिलहाल कांग्रेस कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र रावत खानपुर सीट से दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन उस समय हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और वो विधायक चुनी गई। इस बार लोकसभा के लिए वीरेंद्र रावत त्रिवेंद्र रावत की चुनौती का सामना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की बात करें तो कांग्रेस ने वहां अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने वहां से युवा नेता प्रकाश जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दोनों ही नेता पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के इन दोनों युवा चेहरों का चुनावी मैदान में दम देखने लायक रहेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।